मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुर्सी के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अब्बुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चनाचा वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने इस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। बुखारी। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पसमंदा तबकात की बहबूदी हुकूमत का मकसद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रियासत के बंजर जमीनों को जरतेज करने की कोशिश। बेघर मुस्तहकीन गुरबा को पक्के मकानात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर कोचराम। हरीता हारम प्रोग्राम में हर एक का ताउन नागुरेज। हर एक देहात में 1,00,000 पौधों की शजरकारी का मंसूबा। रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाना ही हुकूमत का मकसद। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। आइंदा माह की 13 तारीख को जिला भर की कोर्टों में लोक अदालत। पेंडिंग केसों को हल करवाने के लिए अवाम को दिया जा रहा मौका। अवाम इस मौके से इस्तेफादा हासिल करे। जिला जज सुधा। वबाई अमराज से अवाम खौफ को हिरासा। बच्चों के अमवाज से गांव की अवाम घरों से निकलने पर मजबूर। हिफाजती मुकामात पर बच्चों को मुंतकिल कर रहे कुत्तापल्ली के अवाम। एक रिपोर्ट। बढ़ेंगे अब खबरों की तफसील की तरफ। पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत कई बहबूदी स्कीम रूबे अमल लाते हुए इन्हें मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रही। असेंबली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए रियासत के बंजर जमीनों को भी जरखेज बनाने की कोशिश कर रही। निजामाबाद जिला वर्णी मंडल में 16,00,000 रुपयों से तामीर किए ग्राम पंचायत इमारत को 25,00,000 रुपयों से तामीर किए गए फंक्शन हॉल का असेंबली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इसके बाद लगाए गए इजलास में स्पीकर ने कहा कि अवाम के लिए हुकूमत कई स्कीमात पेश कर रही और इन तमाम स्कीमात को मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए अहदेदार कायदीन व अवामी नुमाइंदे अपनी कोशिश करने का इजहार किया और गुरबा अवाम के लिए रियासती हुकूमत करोड़ों रुपये सर्फ कर रही और इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे के मुताबिक 2,500 पेंशन देने की बात कही और इसी तरह माजरीन वो 57 साल तजावुज़ किए मामर अशखास वो बेवाओं व तनहा खवातीन को इंतखाबात के वादे के मुताबिक पेंशन देने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया और गुरबा के अलावा किसानों को बर वक्त बरकी सरबराह करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रियासत के करोड़ों एकड़ अराजियात को जरखेज करने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही और देहातों में मौजूद बेघर गुरबा को पक्के मकानात तामीर करवाने के लिए हुकूमत अपनी अंत तक कोशिश करने का स्पीकर ने इजहार किया। प्रभुत्वं दृष्टि తీసుకెళ్తే మీ వచ్చే ఇప్పుడు జూలై మాసం నుంచి ఇంకో 10 రోజుల తర్వాత 57 సంవత్సరాలు వయసు నిండిన వారందరికీ కూడా వచ్చే నెల నుంచి పాత వారికి కొత్త వారికి అందరి కలుపుకొని 2016 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పేసి పెన్షన్ 42 లక్షలు కొత్త పెన్షన్ అంటే 57 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు మరొక 10 లక్షలు అంటే 52 లక్షల మందికి సంవత్సరాలకు ఒక సంవత్సరానికి 12,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది। कौमी शहरा मौत की आगोश बन गई। तेज रफ्तारी व बे एहतियाती की वजह गाड़ियां वाले अपनी जाने गवा रहे। इतने हादसात पेश आने पर भी मुतालिका अहदेदार इकदामात लेने से कासिर हो गए। कामारेड्डी जिले की कौमी शहरा की तकरीबन 40 किलोमीटर तोसी की गई और इस सड़क पर दहाइयों की तादाद में खतरनाक मोड़े।
और मुख्तलिफ जगहों पर खतरों के निशान बोर्डों को भी नष्ट किया गया और इंतबाह बोर्ड भी नष्ट किए गए, मगर गाड़ियां वाले इनकी पाबंदी नहीं कर रहे, जिससे करीबी देहातों की आवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। तेज रफ्तारी से आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकराते हुए कीमती जाने गंवा रही और कौमी शाहरा पर गाड़ियां आते ही इनकी रफ्तार हद से ज़्यादा तेज हो जाती है। इसके अलावा एहतियात न बरतने व मुतालिका अहदेदारों की लापरवाही से NH 44/7 का अड्डा बन गया। कामारेड्डी ज़िले में तब्दील होने के बाद ज़िला मुस्तखर में आमदोरफ्त में इजाफा आया, जिससे इस सड़क पर हमेशा भीड़ दिखाई देती है और ऐसे हालात में हादसात की रोकथाम करने वाली पुलिस भी इस जानिब जहन नहीं दे रही, जिससे कामारेड्डी ज़िले के बिकनूर से बसवापुर व सदाशिव नगर मंडल से दगी के पास की सड़क पर रोज़ हादसात का शिकार हो रही और हर सर्विस रोड के पास हालात संगीन होने से अवाम बौखलाहट में मुब्तला हुई। हरितहारम प्रोग्राम में हर एक का ताउन नागुरेस और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाए, जिला कलेक्टर राम मोहन राव का बयान। और हर देहात में 1,00,000 पौधों के हिसाब से शजरकारी करने का दिया मशवरा। एड़पल्ली मंडल के पोचराम गांव में वाकई नर्सरी का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने जायजा लिया और इस जगह मौजूद मुलाजमीन से बातचीत करते हुए पौधों के बारे में आगाही ली और गाँव में सफाई निजाम बदतर होने से पंचायत अहदेदारों पर सख्त बरहमी जताई और पोचराम गांव की अहम सड़क पर आली सागर लिफ्ट किनाल के मोड़ के पास हादसात की रोकथाम के लिए आड़ी दीवार तामीर करने सरपंच इंदिरा किरण, VDC सदर नीरी रवि ने कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद गांव के सरकारी प्राइमरी व हाई स्कूल्स की तनखी की और सरकारी स्कूलों में सहूलियात के बारे में तलबा से आगाही ली और नर्सरी के पास कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए दरख्तों का होना ज़रूरी है और तमाम देहातों में 1,00,000 पौधों के हिसाब से शजरकारी करने का इजहार किया और इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदी वो अवाम को ताउन देने के लिए तैयार करने के लिए अहदेदारों को अहकाम जारी किए। ग्राम पंचायत द्वारा निर्वहिस्तुन्नारु, परिशीलन कोसम रावडं जरिगिंदि। प्रति ग्राम पंचायत हरितहारंलो भागंगा 1,00,000 मोक्कलु नाटालनि निर्णयिंचडं जरिगिंदि। दानिकि संबंधिंचिनंत वरकु ఏదైతే రకాలున్నాయో చింత తర్వాత మిగతా ఇతర రకాలన్నీ కూడా వాటిని ఇక్కడ పెంచడం జరుగుతుంది। ఇక్కడ గ్రామ స్థాయి అధికారులు తర్వాత మండల స్థాయి అధికారులు వీరందరికీ నిర్దేశించడం ఏం జరిగిందంటే ఈ మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీని అన్నింటినీ కూడా సంరక్షించుకొని పెట్టిన తర్వాత కూడా హరితహారంలో భాగంగా ఇప్పుడైతే వర్షాలు మొదలైతే వర్షాల యొక్క లాభాన్ని తీసుకొని మనం ముందరగానే నాటి వాటి సంరక్షణ చేసుకోవాలి। ఎందుకంటే హరితహారంలో భాగంగా మనం చెట్లు నాటితే మనకు వాతావరణ సమతుల్యత ఉంటుంది, అదే విధంగా వర్షాలు కూడా। బర్సాత్ కి ఆగాజ్ పరి బల్దియా బోదన్ కి లాపర్వాయి ఆష్కార్, డ్రైన్ ఆర్ నాలో మే జమా కచరే కి అదమ్ సఫాయి కే సబబ్ డ్రైన్ కా పానీ సడకోం పర్ జమా, అవామ్ కో ముష్కిలే। MIM ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ కా ఆగే ఆతే హువే సాఫ్ సఫాయి కే లియే ఇక్దామ్ ఆర్ అవామ్ కో గందే పానీ కి నికాసీ కర్తే హువే దీ రాహత్। बोधन मुस्तखर के वार्ड नंबर 9 और 10 में ड्रेन और नालों की अदम सफाई के सबब मामूली बारिश के बाद कचरा और गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया और आवाम को राह गुजर में दुश्वारियां पैदा हो गई, जिस पर बल्दिया की लापरवाही आश्कार हो गई और बल्दिया बोधन की जानिब से कचरे की अदम सफाई और गंदा पानी की निकासी के लिए ठोस इकदाम ना करने का MIM एग्जीक्यूटिव मेंबर समीर ने इल्ज़ाम आयद किया और बरहमी जताई और इनके कारकुनान के हमरा गंदे पानी की निकासी के लिए इकदाम करते हुए साफ सफाई की और आवाम को इस मसले से राहत फराहम की, जो काबिल सताइश काम है। लेकिन बल्दिया की भी जिम्मेदारी है कि वो मौसम बरसात में खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए ड्रेनों व गढ़ों में जमा पानी की निकासी के लिए इकदाम करें। आइंदा माह की 13 तारीख को जिला भर के कोर्टों में लोक अदालत लगाई जाएगी, पेंडिंग पड़े केसों को हल करवाते हुए इस मौके से इस्तेफादा हासिल करें, जिला जज सुधा का बयान। शहर के जिला कोर्ट में जिला जज सुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर जिला जज ने कहा कि जुलाई 13 तारीख को जिला भर के तमाम कोर्टों में जिला कानून इमदाद इदारे के तहत कौमी लोक अदालत लगाने का इजहार किया और कोर्टों में केसेस पेंडिंग में पड़े अफराद अपने केसों को लोक अदालत में हल करवाने की बात कही और इसी तरह साल में 2,00,000 से कम आमदनी रखने वालों को जिला कानून इमदाद इदारे के तहत मुफ्त कानूनी ताउन दिया जाएगा और इस मौके से मुख्तलिफ केसों में मुलविस अफराद
अपने केसों को हल करवाते हुए इस्तीफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में जिला कानून इमदाद इदारे के सीनियर सिविल जज किरण मही ने शिरकत की। మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా అడ్వకేట్స్కి హెల్త్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. అది అప్పుడు 2 లక్షల వరకు కవర్ అయితే హెల్త్ పాలసీ ఇన్సూరెన్స్ 2 చిల్డ్రన్ ప్లస్ కవర్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ नवीपेट मेजर ग्राम पंचायत की आमदनी में भारी शिगाफ पड़ा। ग्राम पंचायत की आमदनी में भारी शिगाफ पैदा करने के लिए कमेटी के साथ उद्धार अपनी जिद मनवाने के लिए इल्जाम सुनाई दे रहे। तरकारियों के बाजार व बकरियों के बाजार की नीलामी बोली सिंडिकेट के हक में देने के लिए इल्जाम सुनाई दिए। इस माह की 25 तारीख को लगाए गए बकरियों व तरकारियों की तय बाजारी नीलामी में सिंडिकेट कॉन्ट्रैक्ट के हक में नीलामी बोली लगाई गई और इस माह की 25 तारीख को हफ्ता बाजारी नीलामी बोली में 60 कॉन्ट्रैक्टर्स 1 लाख के हिसाब से डिपॉजिट जमा करने के बाद वाज़ है और ये तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स 1 कॉन्ट्रैक्टर्स को मदद दिए जिससे बकरियों के बाजार की बोली मोहम्मद मजहरुद्दीन 17,06,000 लगाते हुए अपने हक में किया और इसी तरह तरकारियों के बाजार की बोली 3,30,000 में पवन यादव को सौंपे और इनसे मुकाबला करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स बोली ना लगाते हुए खामोशी इख्तियार किए जिनसे ग्राम पंचायत की आमदनी में भारी शिगाफ पड़ा और इससे कबल पंचायत सेक्रेटरी विजय कुमार बोली को मुलतवी करने की बात वाज़े और कॉन्ट्रैक्टर्स इससे कबली मुहायदा करते हुए हफ्तावारी बाजार अपने हक में आते ही दरमियानी शख्स के पास रुपये रखने की मालूमात मिली और कॉन्ट्रैक्टर्स को मुकामी अवामी नुमाइंदों की पुष्ट पनाही से ग्राम पंचायत कमेटी पर दबाव डालने की मालूमात मिली और चारचंबे की रात इस कॉन्ट्रैक्टर से नजराने लेते हुए एक वार्ड मेंबर के मकान में जीपी रजिस्टर मंगवाते हुए बोली लगाने और आखिरी बोली लगाए बकरियों के बाजार के लिए मोहम्मद मजहरुद्दीन के हक में फैसला लिए अपनी जिद मनवाने के लिए इल्जाम सुनाई दिए और जुमेरात के रोज फैसला लेने का तहरीर किए। आखिरकार बकरियों के बाजार को मजहरुद्दीन की लगाई गई बोली 17,06,000 और तरकारियों के बाजार की बोली 3,30,000 पवन यादव को देने का पंचायत अहदार रिपोर्ट लिखते हुए भिजवाया और ये तमाम काम ग्राम पंचायत सेक्रेटरी विजय कुमार के बिना ही अंजाम दिया गया और इस मामले में जीपी कमेटी मुलविस होने के इल्जाम सुनाई दिए और इस मामले में जीपी सेक्रेटरी का किसी भी तरह का दखल न होने की मालूमात मिली। सिर्फ ग्राम पंचायत में काम कर रहे एलडीसी राजा गंगू कारोबारी रमेश व रवि से सरपंच कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में फैसला लेने की नवीपेट में चयमय गोया पहल गई और इस मामले में जिला कलेक्टर रामन राव संजीदा होने की मालूमात हुई और अवामी नुमाइंदे भी इस तरह के काम अंजाम देने से नवीपेट की अवाम सख्त बरहमी जताई। अकलियती नुमाइंदा जिसे नमाज और सफाई की अहमियत से बखूबी वाकफियत होती है वही नुमाइंदा और कंट्रैक्टर मुसलियान मस्जिद को ड्रेन की अदम तामीरात और सड़कों की अदम तामीरात के सबब गंदे पानी से गुजरने और मस्जिद में दाखिल होने पर कर रहा है मजबूर मुसलियान का इल्जाम और बरहमी जल्द अज जल्द सड़कों व ड्रेन की तामीरात का अरबाब मजा से किया मुतालिबा। शहर के 28वें डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात बिलखसूस मस्जिद मुस्तफ़ा के करीब ड्रेन की अदम तामीरात और सड़कों की अदम तामीरात खस्ता हाल सड़कें और गड़ों में ड्रेन का गंदा पानी जमा होने से आवाम और मुसलियान को काफ़ी दुश्वारियाँ दरपेश है। मुस्तफ़ा मस्जिद के मुसलियान ने मस्जिद कमेटी और इमाम साहब के साथ मस्जिद के मुकाबिल एहतजाज किया और मुकामी कारपोरेटर व कॉन्ट्रैक्टर पर बरहमी जाहिर की और लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस इलाके में ड्रेन की अदम तामीरात व सड़कों की अदम तामीरात और अदम सफाई के सबब गंदगी ताफुन फैल रहा और मामूली बारिश के बाद ड्रेन का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा और इस गंदे पानी से गुजर कर मस्जिद में दाखिल होने पर मुसलियान मजबूर और मस्जिद के मुकाबिल की सड़क के लिए संग बुनियाद भी रखा गया लेकिन ताहाल कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से लापरवाही के सबब सड़क तामीर न होने का इल्ज़ाम आयद किया और बरहमी जताई। वार्ड नंबर 28 की पब्लिक है
इससे पहले नसीर भाई के पास और मुसीब भाई के पास जाके बोले तो मुसीब भाई मीटिंग हुई थी, मुसीब भाई का ये वार्ड है इसलिए इसने आप बीटी रोड बोल के सीसी रोड को कैंसिल करा दिए, उन्होंने सीसी रोड कैंसिल करा दे के उनके घर के सामने डाल लिए। हाँ, बीटी रोड आ जा रही कल आ रही बोल के अभी तक रोड का पता नहीं है और दो दो फीट पानी ये रोड पे खड़ा रहता है, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही। इसके लिए मुसीब भाई से और एमएलए साहब से गुजारिश है, एमएलए साहब से गुजारिश है हमारी और कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि रोड का जल्द से बल्दिया कमिश्नर से आप गुजारिश है कि जल्द से जल्द आके रोड की तहकीकात करे, रोड की तामीर करे। 19 साल कबल ऑटो यूनियन मैकेनिक्स को हुकूमत की जानिब से प्लाट्स इजरा किए गए लेकिन ताहाल रजिस्ट्री से प्लाट्स मालिकान महरूम। आरडीओ से तहरीरी नुमाइंदगी और प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम का किया पुरजोर मुतालिबा। बोधन ऑटो नगर में वाकई ऑटो यूनियन के मैकेनिक्स का आरडीओ बोधन से मुलाकात और तहरीरी यादाश्त हवाले करते हुए मुतालिबा किया कि इन्हें 11 साल कबल 2000 ईस्वी में हुकूमत की जानिब से प्लाट्स इजरा किए गए थे और तकरीबन 150 अफराद को ये प्लाट्स दिए गए थे और इनमें से तकरीबन 25 अफराद गुजर गए और इन प्लाट्स की रजिस्ट्री ना होने से इन्हें काफ़ी दुश्वारियां दरपेश होने का इजहार किया और आरडीओ से इन प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम करते हुए इन्हें रजिस्ट्री की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया बसूरत दीगर ऑटो नगर में सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनजिम करने का इंतबा दिया। 300 गज के जो प्लाटिंग है वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे, जिसमें एक कैंटीन है हमारे को जब लैंड दिए जब, एक पोस्ट ऑफिस है, एक ऑफिस है हमारा वहाँ पर, वो चीज़ें भी सारे दूसरों को दे देकर रजिस्ट्री करा दिए। इलीगल आदमी को वो भी कोई मैकेनिक से ताल्लुकात नहीं है उसका। कौन कर रहा है? हमारे यार एसोसिएशन के मेंबर है, उसमें ऑफिसर थे वहाँ से ऑटो नगर एसोसिएशन के 4 मेंबर और ये ऑफिस वाले मिल गए पूरा अपने समझ में आजो मनमानी कर रहे हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन ना होना है। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। तेलंगाना में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के तरीके से नसों व दहनी सेक्स व शराब नोशी फीट का इलाज, जिसमें नसों की कमजोरी, सर दर्द, डिप्रेशन, अकेलापन, दांतों को भेज लेना, खौफ और दहशत, दिल की तेज धड़कन, जादू टोने करने का यकीन करना, इख्तलाफाती सोच, अपने बारे में बात करने का ख्याल करना, खत्म करने के लिए आने के ख्यालात, वो छूने पर छूना, धोने पर धोना, मुबाशरत में कमजोरी, फौरन लीक हो जाना, हाथों के जरिए सेक्सी काम व सेक्स में नाराजगी, बीवी शोहर के बीच चकोशुबा, शराब व सिगरेट, गुटखा, गुलफाम के आदि मरीजों का स्पेशल इलाज किया जाता है। डॉक्टर केशवलू हॉस्पिटल, बस स्टैंड के रूबरू, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। आपकी शादी ब्याह वो दीगर तकारीब को चार चांद लगाए, अब आपके अपने शहर में 916 हॉलमार्क से तैयार करदा खालिस ज्वेलर सिर्फ फिजा ज्वेलर्स पर दस्तियाब। फिजा ज्वेलर्स, जो हर दुल्हन की पहली पसंद और हमारे मोहसिस ग्राहकों के लिए बहुत कुछ। फिजा ज्वेलर्स पर 916 केडीएम हॉलमार्क के जेवर बनवाइए। तो देर किस बात की, अभी तशरीफ लाए और जेवरात से अपने सपनों को सजाए। कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, हमारा जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे हम में से नहीं, झूठ रिज़्क घटा देता है। फिजा ज्वेलर्स पर कलकत्ता के माहिर कारीगरों से आपकी पसंद के मुताबिक बिल्कुल नए डिजाइन के लॉन्ग चेन, रानी हार, दुबई हार, नेकलेस, गलसर, कंगन, फूल झुमकी, अंगूठियां और हर किस्म का दुल्हन का जेवर तैयार किया जाता है। फिजा ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ 916 केडीएम हॉलमार्क ज्वेलर्स, सुल्तान लेडीज शोरूम के बाजू, नेहरू पार्क, निजामाबाद। फोन नंबर 9394898550। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल बढ़ेंगे तफसील की तरफ। मंडल परिषद ओहदों की मियाद खत्म होने में 5 रोज बाकी, आखिरी कमेटियों के इजलास सादा सीधा लगाए गए, मंडलों के आवाम के मसाइल पर ओहदेदार बातचीत किए। जकरानपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी अपाला रचना की सदारत में आखिरी कमेटी इजलास लगाया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की। मिशन भगीरथा कामों से आवाम को दुश्वार में मुब्तला होने और कामों में ताखिर होने का इजहार किया और मौसम बरसात में वबाई अमराज फैल जाने का खतरा लाहक होने से सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने की मेम्बरान ने मालूमात दी और गुजरे 5 सालों में ताउन दिए ओहदेदार व आवाम का इजहार तशक्कुर किया। इसके बाद एमपीपी वाइस चेयरमैन व मेम्बरान को भारी पैमाने पर तहनियत दी गई। ये सारा
इसी तरह रेंजल मंडल परिषद कमेटी इजलास एमपीपी मुबी खा की सदारत में लगाया गया और इससे कबल इजलासों को मुलतवी किया गया और आखिरी इजलास सादा सीधा लगाते हुए तहनियत पेश की गई और खिदमात का मौका दी अवाम का एमपीपी मुबी खा व मेम्बरा ने इजहार तशक्कुर किया और आइंदा माह की 4 तारीख से नई कमेटी इख्तदार संभालने की बात कही। గత 5 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నుకోబడ్డ పాలన కమిటీ ఏదైతే అది ఈరోజు చివరి సర్వసభ్య సమావేశంతో పాటు వారికి అభినందన సభ అనేది కూడా నా తరఫున పెట్టడం జరిగింది। దానికి పూర్తి స్థాయిలో సహకరించిన ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎజెండా అంశాల్లో కూడా ఈరోజు చాలా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది। వర్షాకాలం మొదలైంది, రైతులకు పనులలో నిమగ్నం అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి శాఖ మీద పూర్తి స్థాయిలో రివ్యూ చేయడం జరిగింది। సభ్యులకు ప్రజలకు ఉన్న అవసరాలు ఏదైతే ఉన్నదో వాటి మీద బాగానే చర్చించడం జరిగింది। వ్యవసాయ శాఖతో పాటు ఎలక్ట్రిసిటీ తాలిమీ శోబే కే మసాయిల్ కో హల్ కర్వానే మే హుకుమతే పూరి తరహ నాకామ్ హో గయి। పీడీఎస్యూ జిల్లా సదర్ కల్పనా నే లగాయా ఇల్జామ్, సర్కారీ హాస్టలో మే భరే పడే మసాయిల్ కో ఫౌరన్ హల్ కర్వానే కా కియా ముతాలిబా। शहर के कलेक्टर ऑफिस के सामने पीडीएसयू कायदीन ने धरना मुनज़िम किया। इस मौके पर पीडीएसयू जिला सदर कल्पना ने कहा कि सरकारी हॉस्टल्स खस्ता हालत में पहुंच गई और फौरन इन इमारतों की नई तामीरात करवाने की ख्वाहिश जाहिर की और हर हॉस्टल में वार्डन का इंतखाब करने और इंचार्ज वार्डन निज़ाम को बर्खास्त करने की बात कही और दरख्वास्त दी हर एक तालिब इल्म को हॉस्टलों में सीट देने और बढ़ते दामों के हिसाब से मेसेज चार्जेस कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा करने का मुतालबा किया और हर मंडल डिवीज़न सेंटरों में तलबा की तादाद को देखते हुए नए हॉस्टलों की तामीरात करवाने का ख्याल जाहिर किया। పత్ర నివ్వడం జరిగింది। పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా వసతిని కల్పించి వాళ్ళ ఉన్నత విద్యకు సహకరించే విధంగా ఈరోజు హాస్టల్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం ఉంది, కానీ ఆచరణలో మాత్రం ఇది ప్రభుత్వం విద్యార్థుల సంఖ్యలకు అనుగుణంగా అడ్మిషన్లు ఇవ్వడం లేదు। ఒక్కో హాస్టల్లో 100 సీట్లు ఉంటే హాస్టల్లో ఉండాలనుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు 200-300 అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి, కానీ బిల్డింగ్ కెపాసిటీ చూసుకున్నా అన్ని బిల్డింగ్ కెపాసిటీని బట్టి 100 అడ్మిషన్స్లే ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా తీసుకుంటా ఉన్నారు। తద్వారా 200 విద్యార్థులు ఈరోజు వాళ్ళ చదువుకు దూరం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। కాబట్టి పిడిఎస్సి విద్యార్థి సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, హాస్టల్ అడ్మిషన్ కోసం అప్లై చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి అడ్మిషన్ ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా పాత హాస్టల్లో ఈరోజు శిథిలా వ్యవస్థకు చేరుకుంటా ఉన్నాయి। बज़्मे रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक क्विज़ मुकाबले जात का इनेकाद किया गया और कामयाब तलबा में असनादात व इनामात की तकसीम। तलबा में इस्लामी तालीमात आम करने और शोर बेदारी करने की गर्ज से मुकाबला जात का इनेकाद, जिम्मेदारान का इजहार। बोधन मुस्तकर पर बज़्मे रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक क्विज़ मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 10 स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की और मुकाबला जात में हिस्सा लिया और मुकाबला जात में कामयाब तलबा में इनाम अव्वल, दुवम और सुवम के अलावा तरगीबी इनामात दिए गए। इस इनामात व असनादात की तकसीम के प्रोग्राम में आबिद सेठ, मीर इलियास अली और मोइन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके हाथों तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताबात में कहा कि कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद साबिर साहब के इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और कहा कि तलबा में इस्लामी मालूमात को आम करने और इस्लाम से मुतालिक शौर बेदारी में ऐसे प्रोग्राम अहम व माविन साबित होते हैं और इनामात जीतने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन में अगर हम बच्चों को दिलचस्पी दिलाएंगे तो उनकी और भी हिम्मत अफजाई होती है और शौक पैदा होता है, ताकि हम भी उसको जाकर ज्यादा से ज्यादा
नंबर हासिल करे और ज्यादा से ज्यादा इनाम पा सके। तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम जो हाजरीन इकराम है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गांव में वबाई अमराज पहल जाने से गांव के अवाम खौफ व हिरासानी का शिकार। वबाई अमराज से दो मासूम बच्चे फौत हो जाने से गांव के अवाम खौफ में मुब्तला। अपने बच्चों को दीगर देहातों को मुंतकिल कर रही गांव की अवाम। निजामाबाद जिला माकलूर मंडल के कोतापल्ली गांव के सोम्या व प्रणय वबाई अमराज से फौत होने का गांव की अवाम ने इजहार किया, जिससे गांव में डॉक्टरों की टीम दौरा करते हुए 49 बच्चों के खून का मुआयना करते हुए नमूना हासिल किए और खून की तशखीस के लिए जिला मुस्तकर मुंतकिल करने का डॉक्टरों ने इजहार किया। और इसी तरह वबाई अमराज पहल जाने से गांव की अवाम खौफजदा होते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे मुकामों को रवाना कर रहे और इन बच्चों को वबाई अमराज से बचाने के लिए हिफाजती मुकामात रवाना कर रहे, जिससे गांव में वबाई अमराज का खौफ फैल जाने से हर कोई बौखलाहट का शिकार हो रहा और गांव के अवाम को मालूमात देने के लिए डॉक्टर्स तिब्बी कैंप लगा रहे। ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు పెద్దలకు లేదు పిల్లగాళ్ళకే ఓలి పిల్లగాళ్ళకే 12-13 ఇంత 12-15 ఇంతలోపు ఇక పెద్దలకు లేదు. ఒక ఇద్దరు పిల్లలు గర్భిణీ చనిపోయారు ఆల్రెడీ 24 గంటల్లో కూడా ఆగలేరు. డాక్టర్లు మాకు ఏం చెప్పకచ్చిను ఇగో మన రిపోర్ట్లు హైదరాబాద్ పంపినాము అవి రావాలా అని ఒక పిల్లగాడి అన్నీ చెప్తుండ్రు డాక్టర్లు. పిల్లగాళ్ళు నా మనమాడు మాకు गैर कानूनी गुटके की मुंतकिली को पुलिस ने बनाया नाकाम और गुटके से भरी वैन को लिया तहवील में और किया मुकदमा दर्ज। शहर के वनटाउन इलाके में गुटका फरोख करने वाली वैन को पुलिस ने शक के बिना पर तनकी करते हुए गुटके से भरी वैन को तहवील में लिया और ड्राइवर से पूछताछ करते हुए तहकीकात की और गुटके के बैग को जब्त करते हुए ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया और खुलेआम गुटके की फरोख्त। काबिले गौर क्या इसे सियासी पुश्त पनाही हासिल है? अहम सवाल। पुलिस ने 1,00,000 मालियत का गुटका होने का इजहार किया और गुटके के मालिक के नाम को राज में रखा और मीडिया को बताने से भी इनकार किया और तहकीकात जारी होने का इजहार किया। अख्तिताम से खबरों फिर एक बार नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। पसमंदा तबकात की बहबूदी हुकूमत का मकसद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रियासत के बंजर जमीनों को जरतेज करने की कोशिश। बेघर मुस्तहकीन गुरबा को पक्के मकानात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर कोचरा। हरीता हारम प्रोग्राम में हर एक का ताउन नागुरेज। हर एक देहात में 1,00,000 पौधों की शजरकारी का मंसूबा। रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाना ही हुकूमत का मकसद। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। आइंदा माह की 13 तारीख को जिला भर की कोर्टों में लोक अदालत। पेंडिंग केसों को हल करवाने के लिए अवाम को दिया जा रहा मौका। अवाम इस मौके से इस्तेफादा हासिल करे। जिला जज सुधा। वबाई अमराज से अवाम खौफ को हिरासा। बच्चों के अमवाज से गांव की अवाम घरों से निकलने पर मजबूर। हिफाजती मुकामात पर बच्चों को मुंतकिल कर रहे कोतापल्ली के अवाम। एक रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।